नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सीएम अजीत पवार के परिवार से जुड़ी बेहिसाब संपत्ति से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। आयकर विभाग ने 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता लगाया है। तो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी की कार्रवाई पर फिर सवाल उठाया है। उधर शिवसेना नेता और राज्य के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने नारायण राणे को लेकर काफी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि साइकिल चोरी करने वाले नारायण राणे मंत्री बन गए। इस बीच देश का सबसे बड़ा स्वराज ध्वज दशहरा के मुहूर्त पर फहराया गया। विधायक रोहित पवार के कॉन्सेप्ट पर इसे तैयार किया गया है। दुख भरी खबर यह है कि मोबाइल पर गेम खेलने की जानलेवा लत ने फिर एक जान ली है। महाराष्ट्र के जामनेर में 12वीं की शाखा में पढ़ने वाली 20 वर्षीय लड़की ने पबजी खेल के बीच में आत्महत्या कर ली। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के परिवार से जुड़ी बेहिसाब संपत्ति से जुड़ी अहम जानकारी बताई है। आयकर विभाग ने बताया कि 7 अक्टूबर को छापेमारी में 2 रियल एस्टेट समूहों की 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता लगाया गया। मुंबई, पुणे, बारामती, गोवा और जयपुर के 70 परिसरों पर 7 अक्टूबर को छापे मारे गए थे। सबूतों से बेहिसाब और बेनामी धन के कई बार लेन देन का पता चला। किसी का नाम बताए बिना कहा गया कि दोनों समूहों की करीब 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय के सबूत मुहैया कराने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। यही नहीं, संदिग्ध तरीकों से मिले धन का इस्तेमाल मुंबई के एक मुख्य इलाके में कार्यालय की इमारत, दिल्ली के एक पॉश इलाके में फ्लैट, गोवा में रिजॉर्ट, महाराष्ट्र में कृषि भूमि और चीनी की मिलों जैसी विभिन्न पूंजियों में निवेश करने के लिए किया गया। याद रहे, छापेमारी के बाद अजीत पवार ने कहा था, राजनीतिक द्वेष की भावना से यह रेड की कार्रवाई की जा रही है। इस विषय में मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं भी एक नागरिक हूँ, लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि मेरी जिन बहनों की 35 से 40 साल पहले शादी हो चुकी है, जो अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त है, उन पर भी रेड डाली गई है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नवाब मलिक ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एनसीबी के कार्रवाई पर सवाल उठाया है। एनसीबी के 3 अलग अलग कार्रवाई में एक ही गवाह होने का खुलासा करते हुए नवाब मलिक ने एनसीबी से कुछ सवाल पूछे हैं। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कौन है फ्लेचर पटेल, उसका एनसीबी और उसके एक अधिकारी से क्या संबंध है, एनसीबी को इसका खुलासा करना चाहिए। फ्लेचर पटेल के साथ समीर वानखेड़े की तस्वीर क्या कहती है, छापेमारी में एक फैमिली फ्रेंड को गवाह किया क्या, पंच के रूप में करीबी लोग हैं, क्या यह कार्रवाई तय करके की गई थी, कौन सा रैकेट मुंबई में चल रहा है, फ्लेचर पटेल लेडी डॉन फिल्म इंडस्ट्री में क्या कर रहा है। नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि फ्लेचर पटेल और लेडी डॉन की मदद से फिल्म इंडस्ट्री में क्या शुरू है, वानखेड़े फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बना रहे हैं। इसके पहले 14 अक्टूबर को नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी पर निशाना साधा था। नवाब मलिक ने ये भी दावा किया है कि उनके दामाद को बिना किसी कारण के एक ड्रग मामले में फंसाया था। मेरे दामाद समीर खान पर ड्रग तस्कर होने का भी आरोप लगाते हुए भ्रामक खबरें फैलाई गयी। शिवसेना नेता और राज्य के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने नारायण राणे को लेकर काफी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि साइकिल चोरी करने वाले नारायण राणे मंत्री बन गए। स्वार्थ के लिए लोग अपने बाप को बदल देते हैं। सांगोला में एक कार्यक्रम के दौरान गुलाबराव पाटिल ने कहा कि साइकिल चोर नारायण राणे मंत्री बन गए। इसके बाद उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि हमारी सत्ता व्यवस्थित है, 50,000 रुपए का भ्रष्टाचार होने पर भी ईडी की जांच शुरू कर दी जाती है, हमारे लिए जेल नया नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि हम बैचलर ऑफ जेल वाले शिव सैनिक हैं। बकरे की मौत ईश्वर तय करते हैं, लेकिन हमारी मौत क्या ईडी तय करेगी। बता दें कि इसके पहले भी गुलाबराव के बोल काफी विवादित रहे हैं। हाल ही में शिवसेना के फायर ब्रांड विधायक गुलाबराव पाटिल ने भाजपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल को शिव सैनिकों से न उलझने की चेतावनी दी थी। सदन में भी बड़ बोलेपन के कारण उनके सामने माफी मांगने जैसी स्थिति सामने आई थी। विधायक रोहित पवार के कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया देश का सबसे बड़ा स्वराज ध्वज दशहरा के मुहूर्त पर फहराया गया। देश के सबसे बड़े भगवा ध्वज के रूप में इस ध्वज को पहचान मिली है।
यह ध्वज 74 मीटर लंबा है। यह स्वराज ध्वज सभी जाति धर्म का ध्वज है। अपने वैभवशाली इतिहास की जानकारी दूर तक पहुंचाने के लिए स्वराज ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया था। स्वराज ध्वज प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में काफी भीड़ देखने को मिली। ढोल ताशे की धुन में भगवा ध्वज को फहराया गया। निजाम के खिलाफ शिवराय द्वारा स्थापित किए गए हिंदवी स्वराज का विराट विजय हुई थी। उसी पावन मौके पर अहमदनगर जिले के करजत जामखेड़ के शिवपट्टन में किला बनवाया गया था। इस किले के ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए इस परिसर को नई पहचान देने का संकल्प रोहित पवार ने लिया है। स्वराज ध्वज फहराने से पूर्व इस ध्वज को महाराष्ट्र के 36 जिलों, देश के 6 राज्य, 74 प्रेरणा स्थलों पर ले जाया गया था। करीब 12,000 किलोमीटर की यात्रा कर ध्वज वापस महाराष्ट्र आया और अब शान से लहरा रहा है। महाराष्ट्र के जामनेर में स्थानीय 12वीं की शाखा में पढ़ने वाली 20 वर्षीय लड़की ने पबजी खेल के बीच में आत्महत्या कर ली। यह बात लड़की द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से पता चली है। आत्महत्या करने वाली लड़की का नाम नम्रता पद्माकर खोड़के है। नम्रता के पिता एक स्थानीय डॉक्टर के कार्यालय में सहायक चिकित्सक के रूप में काम करते हैं। उनके घर का निर्माण कार्य चल रहा है और माँ वाकी रोड स्थित घर में पानी भरने गई थी। उसी समय लड़की ने यह कदम उठाया। लड़की नम्रता के मोबाइल से पता चला है कि वह पबजी खेल खेल रही थी। सुसाइड नोट में उसने उसकी हत्या के लिए किसी को भी दोषी न मानने की बात कही है। गौरतलब है कि इस पबजी गेम को कातिल करार देकर बंद करने की मांग की जा चुकी है। मुश्किल टास्क को पूरा करने के दौरान एक दो नहीं दुनिया भर में सैकड़ों बच्चों की जान चली गई है। दरअसल यह गेम एक आभासी जिंदगी का वह पड़ाव सामने खड़ा करता है जिसमें खेलने वाला इस कदर फंस जाता है कि उसे पूरी दुनिया अपना दुश्मन नजर आती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के बोगी नंबर 9 की गेट के पास डमी कारतूस डेटोनेटर से भरा बैग जवान के हाथ से छूट गया। इसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ आईपीएल फाइनल के दौरान भारतीय सीनियर टीम के कोच बनने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही रवि शास्त्री युग का अंत होने जा रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पत्थल गांव में श्रद्धालुओं को एक गाड़ी रौंदते हुए निकल गई। गाड़ी में सिंगरौली निवासी 2 गांजा तस्कर सवार थे। वे पुलिस के डर से भाग रहे थे। बड़ी खबर यह भी है कि बीते 2 दिन की स्थिरता के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में फिर 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इस माह करीब हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। राजनीति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के स्थायी अध्यक्ष पद को लेकर चल रही बहस पर फिलहाल सोनिया गांधी ने विराम लगाया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आज उन्होंने साफ किया कि वह ही कांग्रेस की स्थायी अध्यक्ष है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में धमाका होने से सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी जब यह विस्फोट हुआ। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। सीआरपीएफ ने बताया कि डिटोनेटर बॉक्स फटने के चलते हादसा हुआ है। हवालदार विकास चौहान की हालत गंभीर बताई है। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल जवानों में चवन विकास लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्र कर, सुशील, दिनेश कुमार पैकरा शामिल है। सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी निजी अस्पताल पहुंचे हैं। रायपुर पुलिस के मुताबिक सीआरपीएफ जवानों को जम्मू ले जाने के लिए 22 बोगियों का ट्रेन बुक हुआ था। ट्रेन के बोगी नंबर 9 के गेट के पास डमी कारतूस डिटोनेटर से भरा बैग जवान के हाथ से छूट गया। इसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। जिस जवान के हाथ से बैग छूटा वही जवान ज्यादा घायल हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के बाद ट्रेन को सुबह करीब 7:15 बजे रवाना कर दिया गया। ब्लास्ट की चपेट में किसी आम नागरिक के आने की सूचना नहीं है। पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें राहत कार्य में जुट गई है। भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक राहुल द्रविड़ आईपीएल फाइनल के दौरान भारतीय सीनियर टीम के कोच बनने के लिए सहमत हो गए हैं। दुबई में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने द्रविड़ के साथ बैठक की और उन्हें यूएई में टी20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम का कोच बनने के लिए राजी किया। इस तरह से रवि शास्त्री का युग खत्म हो जाएगा और द्रविड़ उन्हें रिप्लेस करेंगे। वही 2023 तक टीम कोच बने रहेंगे। दूसरी ओर पारस मांभरे को बॉलिंग कोच चुना गया है। द्रविड़ फिलहाल बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष है। बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से कोई कोच के पद के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया था।
इस बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टॉप अधिकारी ने शुक्रवार रात आईपीएल फाइनल के दौरान बताया कि राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के हेड कोच बनेंगे। वह जल्द ही एनसीए चीफ पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही बॉलिंग कोच के तौर पर द्रविड़ के भरोसेमंद पारस मांबरे को बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। वह भरत को रिप्लेस करेंगे, जबकि फील्डिंग कोच आर श्रीधर के रिप्लेसमेंट पर फैसला नहीं लिया गया है। विक्रम राठौर टीम के बैटिंग कोच बने रहेंगे। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री, बॉलिंग कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो रहा है। भारतीय टीम के ट्रेनर निक वेब भी T20 वर्ल्ड कप के बाद कार्यमुक्त होंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली निवासी दो गांजा तस्करों ने छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव में एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी। बताया जा रहा है, आरोपी मध्य प्रदेश से गांजे की तस्करी कर ओडिशा जा रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर छत्तीसगढ़ पुलिस तस्करों को पकड़ने के लिए उनके पीछे थी और वो भाग रहे थे, तभी पत्थलगांव में श्रद्धालुओं को गाड़ी रौंदते हुए निकल गई। घायल श्रद्धालु जमीन पर गिर पड़े और अन्य श्रद्धालु गाड़ी के पीछे भागे। इस दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए ट्रेलर अड़ाकर गांजा तस्कर को पकड़ लिया। कार की चपेट में आए श्रद्धालु दुर्गा विसर्जन के मौके पर आयोजित जुलूस में शामिल थे। हादसे में मारे गए शख्स की पहचान 21 वर्षीय गौरव अग्रवाल के रूप में हुई है और वह जशपुर के पत्थलगांव का रहने वाला है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू से हुई है। पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए दोनों आरोपी गांजा तस्कर है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले है। घटना में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बीते दो दिन की स्थिरता के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी बात की अक्टूबर महीने में करीब हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। तेल के दाम में ताजा इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत 104.79 रुपये हो गई है और डीजल के दाम 93.52 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इस महीने की पहली तारीख को जहां पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे का इजाफा हुआ था, वही डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उसके कारण देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तेल के दाम शतक पार कर चुके हैं। चार महानगरों में पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 105.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.22 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 111.43 रुपये और डीजल 102.15 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 102.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल 98.59 रुपये प्रति लीटर के भाव पर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 106.10 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.33 रुपये प्रति लीटर पर है। कांग्रेस पार्टी के स्थायी अध्यक्ष पद को लेकर चल रही बहस पर फिलहाल सोनिया गांधी ने विराम लगा दिया है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने साफ किया कि वह ही कांग्रेस की स्थायी अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर मामले को गंभीरता से सुना और सुलझाया है। मीडिया के जरिए उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर विशेष तौर पर युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, चाहे वह किसानों का मुद्दा हो, महामारी के दौरान राहत पहुँचाना हो या फिर युवाओं व महिलाओं का मुद्दा हो। लखीमपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि यह घटना भाजपा की मानसिकता को दर्शाती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, आनंद शर्मा समेत पार्टी के 52 वरिष्ठ नेता मौजूद है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह समेत 5 अन्य नेता बैठक का हिस्सा नहीं है। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग की थी। यहां तक कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाए और पार्टी के संगठनात्मक चुनाव और आंतरिक मामलों पर चर्चा की जाए। चीन चुपचाप अपने अभियानों में लगा रहता है। आज वह जो करता है उसकी जानकारी सालों बाद दुनिया को लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ है ताजिकिस्तान में। वहां के शैमक गांव में उसने 5 साल पहले ही अपना सीक्रेट सैन्य ठिकाना बना लिया था और अब सैटेलाइट के माध्यम से इसकी पोल खुली है। उधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आया बड़ा खतरा टल गया है। रूसी अंतरिक्ष यान की इंजन टेस्टिंग के दौरान ISS अपनी जगह से खिसक गया, जिससे अंतरिक्ष यात्री कुछ देर के लिए इमरजेंसी मोड में चले गए थे। इसी बीच खबर है कि चीन भूटान समझौता भारत के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। चीन भारत रिश्तों के लिए यह आगे चलकर निगेटिव फैक्टर बन सकता है। बड़ी खबर यह भी है कि अफगानिस्तान में
तालिबान की सरकार बनने के बाद उस पर दबाव बनाने के लिए भारत अन्य स्टेक होल्डर के साथ मिलकर अगले महीने एक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर सकता है। तो ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद डेविड एमएस एक हमले में मारे गए। एक चर्च में वे सहयोगियों के साथ बैठकर बैठक कर रहे थे। दुनिया की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चीन ने ताजिकिस्तान के शमयक गांव में अपना सीक्रेट सैन्य ठिकाना बना लिया है। ये चीनी सैन्य अड्डा अफगानिस्तान की पश्चिमोत्तर सीमा से सटी ताजिक जमीन पर बनाया गया है। इसी चीनी अड्डे के पास सोवियत संघ का पुराना सैन्य अड्डा भी था। ताजा खुलासे से पता चला है कि चीन ने पिछले 5 साल से यह सैन्य अड्डा बना रखा है और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। अब सैटेलाइट तस्वीरों ने इस चीनी सैन्य ठिकाने की पोल खोलकर रख दी है। चीनी सैनिक वहां मौजूद हैं और कई इमारतें बनाई गई हैं। इसके अलावा सैन्य ठिकाने के पास निगरानी टावर बनाए गए हैं। हालांकि ताजिकिस्तान और चीन दोनों ने ही इस पीएलए ठिकाने के बारे में खबरों का खंडन किया है। अफगानिस्तान और ताजिक अधिकारियों से बातचीत में खुलासा हुआ है कि चीन अब धीरे धीरे मध्य एशिया के सुरक्षा मामलों में अपनी भूमिका को बढ़ाने में जुट गया है। हालांकि चीन अपनी इस छवि को काफी जटिल मानता है। चीन अब ताजिकिस्तान और तालिबान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुलझाने में जुट गया है और अपने हितों की रक्षा करने के लिए तालिबान के साथ मिलकर काम करने के रास्ते तलाश रहा है। चीन के निशाने पर उइगर मुस्लिम विद्रोही है, जिनके ऊपर वह अपने पश्चिमी शिजियांग इलाके में हमले करने का आरोप लगाता है। रूस के स्पेसक्राफ्ट ने एक बार फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। दरअसल रूसी अंतरिक्ष यान की इंजन टेस्टिंग के दौरान ISS अपनी जगह से खिसक गया और अंतरिक्ष यात्री कुछ देर के लिए इमरजेंसी मोड में चले गए। यह हादसा तब हुआ जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में डॉक किए हुए सोयुज स्पेसशिप के इंजन की टेस्टिंग कर रहे थे। स्पेस एजेंसी ने इसका खुलासा नहीं किया कि स्पेस स्टेशन अपनी जगह से कितना हटा था और सामान्य होने में इसे कितनी देर लगी। स्पेस स्टेशन पर इस वक्त 7 अंतरिक्ष यात्रियों के अलावा एक रूसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी मौजूद हैं, जो अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग के लिए गए हैं। उन्हें 5 अक्टूबर को अंतरिक्ष में भेजा गया था और रविवार को वे धरती पर लौट आएंगे। वापस आने के लिए ये लोग उसी सोयुज स्पेसशिप का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन हादसे का शिकार होते होते बच गया। बता दें कि अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जुलाई में रूस की लापरवाही के चलते कुछ समय के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बाद में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने बड़ी मुश्किल से ISS पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया है। चीन भूटान समझौते से चीन खुशी में झूम रहा है। परोक्ष रूप से वह इस समझौते के जरिए भारत को नसीहत भी दे रहा है। दरअसल चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद का मुद्दा विशेष है, क्योंकि यह न केवल भूटान से जुड़ा है बल्कि चीन भारत रिश्तों के लिए नेगेटिव फैक्टर बन गया है। अगर चीन और भूटान सीमा विवाद को दूर करने में प्रगति करते हैं तो भारत के पास सीमाई इलाकों में परेशानी पैदा करने के कम अवसर होंगे। बता दें कि भूटान और चीन के बीच डोकलाम विवाद के बाद वार्ता रुक गई थी। भारत ने डोकलाम में चीन की अवैध कार्रवाई का विरोध किया था। डोकलाम विवाद के बाद चीन ने इस पूरे पठारी इलाके के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि जिस जगह पर भारत ने सड़क बनाने का विरोध किया था वह यथास्थिति बरकरार है। भूटान ने चीन की मनमानी का कोई विरोध भी नहीं किया है, लिहाजा समय आ गया है कि भारत भूटान पर अपने पुरातन नियंत्रण को खत्म करे और नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों पर असामान्य तरीके से प्रभाव बढ़ाने की इच्छा को नियंत्रित और करे, वरना तब तक चीन काफी आगे बढ़ चुका होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद उस पर दबाव बनाने के लिए भारत अन्य स्टेक होल्डर के साथ मिलकर अगले महीने एक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर सकता है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस के लिए भारत, रूस, अमेरिका और कई आसपास के देशों के संपर्क में है। कॉन्फ्रेंस में बुलाए जाने वाले देशों की तरफ से अभी अंतिम पुष्टि का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार भारत ने प्रस्ताव दिया है कि सम्मेलन 10 या 11 नवंबर को आयोजित किया जाए। हालांकि तालिबान को सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने की अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को आमंत्रित करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा कि अफगानिस्तान में जो नई सरकार बनी है उसमें सभी समूह का प्रतिनिधित्व नहीं है तथा अल्पसंख्यकों और महिलाओं को जगह नहीं दी गई है। पहला मुद्दा अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का है, जो समावेशी नहीं है और बिना वार्ता के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है। बड़ी मात्रा में अमेरिकी आधुनिक हथियार अफगानिस्तान में रह गए हैं और इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद डेविड एमएस एक हमले में मारे गए। सांसद पर उस समय चाकू से हमला किया गया जब वह पूर्वी इंग्लैंड के एक चर्च में अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे थे।
पुलिस ने 25 वर्षीय हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटिश पुलिस ने इस हत्या को एक आतंकवादी घटना घोषित किया है। न्यू स्कॉटलैंड यार्ड में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक बयान के मुताबिक शुरुआती जांच में यह घटना इस्लामी चरमपंथ से प्रेरित लगती है। पुलिस का मानना है कि संदिग्ध ने इस वारदात को अकेले अंजाम दिया है और हम इस घटना के संबंध में किसी और की तलाश नहीं कर रहे हैं। हालांकि मामले की जांच जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान हमलावर वहां पहुंचा और उसने एमएस पर चाकू से कई वार किए। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू बरामद किया गया है। कंजर्वेटिव सांसद डेविड एमएस पर उस समय हमला किया गया था जब वह लियोन सी शहर स्थित बेलफेयर्स मेथोडिस्ट चर्च में अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे थे। 69 साल के एमएस साउथ एंड वेस्ट सीट से 1997 से ही सांसद थे और लियोन सी इलाका इसी सीट के अंतर्गत आता है। वे पशुओं के कल्याण के मामले में चैंपियन माने जाते हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।